गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। अब अपन टेस्टिस के फंक्शन देखेंगे। तो देखिए टेस्टिस का फर्स्ट फंक्शन, टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ मेल जेमेट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजीनियस। ठीक है, तो जो टेस्टिस है वो मिलियन मेल जेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको अपन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और ये जो टेस्टिस है वो स्पर्म का प्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से करते हैं? स्पर्मेटोजीनियस। तो ये टेस्टिस का क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो टेस्टिस का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जो टेस्टिस है वो मिलियन मेल जेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और मेल जेमेट्स को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। और जो टेस्टिस है वो मिलियन मेल जेमेट्स का प्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से करते हैं? स्पर्मेटोजीनियस। सेकंड फंक्शन देखिए टेस्टिस का, द लैडी सेल्स ऑफ द सेमिनिफेरियस ट्यूब्स सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द मेल सेक्स हार्मोन, तो आपको क्या बताना है आंसर? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा टेस्टिस का? द लैडी सेल्स ऑफ सेमिनिफेरियस, जो सेमिनिफेरियस की लैडी सेल्स है ट्यूब से, वो क्या सेक्रेट करती है? मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। थर्ड फंक्शन देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। और जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है? मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को। ठीक है, तो अपन ने ये टेस्टिस के फंक्शन देखे। टेस्टिस का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जो टेस्टिस है वो मिलियन मेल जेमेट्स का प्रोडक्शन करता है जिनको अपन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और ये जो टेस्टिस है वो कौन सी प्रोसेस से मेल जेमेट्स का प्रोडक्शन करता है? स्पर्मेटोजीनियस। ठीक है, और जो ये लैडिंग सेल्स है सेमिनिफेरियस ट्यूब से क्या करती है? मेल सेक्स हार्मोन को सेपरेट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के डेवलपमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये अपने मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टेस्टिस के फंक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन मेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन ने मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, अब अपन मेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मेल के जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें फर्स्ट है स्केलेटम। कौन सा है? स्क्वर्टम। और इसके बारे में अपन ने मेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी पढ़ चुका है कि जो स्क्वर्टम है वो क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से लो रखता है। और ये लो जो टेम्परेचर है वो क्यों जरूरी है? ये टेस्टिस के प्रॉपर फंक्शन और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो वापस से देखिए स्क्वर्टम का फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए स्क्वर्टम कीप्स द टेस्टिस टेम्परेचर एट लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये अपन मेल के सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं। मेल का जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें फर्स्ट है स्क्वर्टम। और जो स्क्वर्टम है उसका क्या वर्क है कि जो स्क्वर्टम है वो टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से लो रखता है, मतलब कि कम रखता है। और जो ये लो टेम्परेचर है वो क्यों जरूरी है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जो ये लो टेम्परेचर है वो टेस्टिस के प्रॉपर फंक्शन और स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये अपन ने मेल के सेकेंडरी ऑर्गन का फर्स्ट ऑर्गन स्क्वर्टम कर लिया है। नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक की बुक से रीडिंग लगानी है और साथ में इन सबको लर्न भी करना है।